और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देख लो सीख लो। आज हम लोग डिमांड कर्व के दो ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में आपको मैं बता रहा हूं क्या करना है आज हम लोग को। आज डिमांड कर्व में दो तरह के प्रेजेंटेशन हम सीखेंगे। एक हम सीखेंगे मूवमेंट और एक हम सीखेंगे शिफ्टिंग। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। साथ में लिखते भी जाओ। आज दो कंसेप्ट हमको पढ़ना है, मूवमेंट क्या होता है और शिफ्टिंग क्या होता है। मूवमेंट का मतलब बेटा मैं यहां लिखता हूं और यहाँ पे शिफ्टिंग का मतलब लिखता हूं। दोनों का पहले मतलब देख लो और इसकी नोटिंग डाउन कर दो। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब रेट बदलने के कारण या प्राइस बदलने के कारण आपकी डिमांड बदलती है तो इसे हम कहते हैं मूवमेंट होना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। आपको अदर फैक्टर मैं कई बार बताया हूं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, योर इनकम, टेस्ट और फ्यूचर, अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम। ये मूवमेंट की डेफिनेशन है, आप लिख लो। हिंदी में अगर कहूं तो मूवमेंट ये बताता है कि कैसे एक इंसान की डिमांड प्राइस के बदलने के साथ साथ बदलती है। और जब आप शिफ्टिंग का वर्ड का यूज करते हो तो शिफ्टिंग मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अदर फैक्टर्स प्राइस रिमेनिंग द सेम। दिमाग में थोड़ा सा बिठा लो जो मैं ये बोल रहा हूं। अगर आपका डिमांड का कर्व या डायग्राम प्राइस के हिसाब से बदलता है, रेट बदलेगा तो डिमांड बदलेगी, तो उसे मूवमेंट बोला जाता है। और अगर रेट या प्राइस नहीं बदल रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, सामान की कीमत वही है, फिर भी डिमांड में बदलाव आ रहा है, तो उसे शिफ्टिंग कहा जाता है। दो कंसेप्ट दिमाग में बिठाओ। अगर प्राइस को देखकर डिमांड बढ़ या घट रही है तो मूवमेंट है, और प्राइस के अलावा अगर कोई फैक्टर है जैसे आपकी इनकम, कमाई बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, कमाई घटी तो डिमांड घटी, तो उसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, पहले तो ये बताओ आपको मूवमेंट और शिफ्टिंग दो बातें समझ में आई कि गई सिर के ऊपर से। मूवमेंट और शिफ्टिंग क्या है ये समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? आ गया समझ में? बेटा डिमांड कर्व मतलब होता है आप जो भी डिमांड करते हो उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें दो कंसेप्ट हमको पढ़ने होते हैं, एक पढ़ना होता है मूवमेंट का कंसेप्ट और एक पढ़ना होता है शिफ्टिंग का कंसेप्ट। जब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो प्राइस के बदलने के साथ साथ वो भी चेंज होगी, बाकी किसी चीज में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बाकी जितने फैक्टर्स होते हैं आपकी डिमांड पर जो असर करते हैं, जो मैंने आपको कई बार बताए हैं, जैसे इनकम हो गया, आपका टेस्ट हो गया, ये सब कुछ नहीं बदल रहा है, तो इसे मूवमेंट कहा जाता है। और शिफ्टिंग का मतलब होता है सामान का रेट वही है, सामान के रेट में कोई बदलाव नहीं है, कोई और कारण है जिसके कारण जो है डिमांड कम या ज्यादा हो रही है। तो आपको मैं इसको डायग्राम में समझाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे समझ आएगा। आप इसको चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट दे लो। मूवमेंट और शिफ्टिंग का ये टॉपिक अब हम शुरू कर रहे हैं। ये मूवमेंट और शिफ्टिंग का आप दे दो, इसको देख लो। बेटा रिकॉर्ड होता जा रहा है, भेज भी दूंगा, सीख लो। पहले मूवमेंट सिखाता हूं तो एक बार में समझ आएगा मूवमेंट, फिर शिफ्टिंग भी समझ आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी आपको। मूवमेंट का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? मूवमेंट का मतलब होता है चेंज
इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। रेट बदलने से डिमांड बदलने को हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलते हैं, एक तरह का डायग्राम प्रेजेंटेशन है। तो दो तरह के मूवमेंट होते हैं, हमेशा याद रखना। एक मूवमेंट जो होता है वो कहलाता है एक्सपेंशन, और दूसरे तरह का मूवमेंट कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, ध्यान से सुनना, फिर सुन लो। मूवमेंट मतलब है रेट बदल रहा है तो डिमांड बदल रही है, बाकी कोई बदलाव नहीं है, ना टेक्नोलॉजी बदली, ना आपका टेस्ट बदला, कोई फैक्टर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ रेट के हिसाब से डिमांड बदल रहे हो। तो या तो एक्सपेंशन करोगे या तो कॉन्ट्रैक्शन करोगे। पहले आपको एक्सपेंशन दिखाता हूं, देखो कैसा होता है एक्सपेंशन। सपोज करो ये प्राइस दिया है, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड दी है, जितनी क्वांटिटी आप डिमांड करते हो। जब प्राइस 100 रुपए था तो आप डिमांड करते थे मान लो 1000 यूनिट्स। अब प्राइस 50 रुपए हो गया है तो आप डिमांड करते हो 2000 यूनिट्स। सीधी सी बात है, रेट गिरा तो डिमांड आपकी बढ़ गई। तो अब इसको मैं एक्सपेंशन क्यों बोल रहा हूं, आप ये देखो और सीखो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे प्राइस शो करूंगा, यहां पे डिमांड शो करूंगा। ओरिजिनली जब प्राइस 100 रुपए था तो डिमांड कितनी थी, 1000 यूनिट थी। तो मान के चलो यहां पे मैं 100 रुपए दे रहा हूं और ये मेरी डिमांड है 1000 यूनिट की। 100, ये 100 रुपीज है और ये 1000 यूनिट्स हैं। अब क्या हुआ, प्राइस जस्ट हाफ हो गया, आधा हो गया, 50 रुपए हो गया। रेट 50 रुपए हो गया तो डिमांड कितनी हो गई, 2000 यूनिट हो गई। तो कभी भी याद रखना, किसी भी चेंज को आप डॉटेड लाइन से शो करना। तो ये आपका एक नया पैटर्न बना। अब एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, देखो डिमांड पहले 1000 यूनिट थी, अब एक्सपेंड होके 2000 यूनिट हो गई है, ये एक्सपेंशन बताता है। एक्सपेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है, यहां पर हम लिखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व का मतलब होता है व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब रेट गिरता है, द डिमांड ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेस। जब रेट गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये देखो यही शो करता है कि पहले रेट 100 रुपए था तो डिमांड 1000 यूनिट थी, अब रेट गिर गया 50 हो गया तो डिमांड बढ़ के 2000 यूनिट हो गई है। तो हमारा कर्व देखो ऐसा जा रहा है, दोनों पॉइंट को टच करते हैं। अब ये जब पॉइंट आप टच करोगे तो एक बात देखना, ये आपका ए पॉइंट है, पहले जो डिमांड होती थी अब बढ़ के ये बी पॉइंट पे आ गई है, बढ़ गई है, एक्सपेंड हो गई है। तो ये आपका डाउनवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है, नीचे फ्लो कर रहा है। देखना, पहले यहां पर था पॉइंट, अब मैं ऊपर से नीचे खींचा, ये आगे बढ़ गया, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है। और डाउनवर्ड शिफ्ट दिखाने का मतलब ये होता है कि आपकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं बढ़ी है। आप मेरे को बताओ, आपको एक्सपेंशन समझ आया कि नहीं आया? ग्राफ बनाने पड़ेंगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, इसलिए तो करा रहा हूं। आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया अभी एक्सपेंशन? किसी को कोई डाउट एक्सपेंशन में? प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो देखो, पहले डिमांड यहां पर थी, अब यहां पर बी पॉइंट पे आ गई है, तो ये डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। तो इसकी भी नोटिंग कर देना, कॉन्ट्रैक्शन बोलता है व्हेन द प्राइस राइजेस, जब रेट बढ़ेगा, द डिमांड ऑफ कॉमोडिटी डिक्रीजेस। जब रेट बढ़ता है तो जो डिमांड होती है कम होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन बताता है।
तो यहाँ पर इसको भी बना के दिखा देता हूँ आपको एक प्रेजेंटेशन, और आपको भी प्रेजेंटेशन ही बनाने पूछूंगा, और इनकी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन। तो याद रखना मूवमेंट दो तरह के होते हैं। मूवमेंट मतलब क्या होता है, प्राइस के बदलने से डिमांड बदल रही है, तो या तो एक्सपेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सपेंशन मतलब रेट का गिरना, डिमांड का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब प्राइस का बढ़ना, डिमांड का घटना। तो इसका स्केड्यूल कैसे बना के दूंगा मैं आपको, कर्व कैसे बनाऊंगा, तो ये प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है। पहले जब प्राइस 100 रुपए था तो मैं 1000 यूनिट डिमांड करता था, अब प्राइस 200 रुपए हो गया है, रेट बढ़ गया है, तो आप बताओ डिमांड बढ़ी कि घटी, डिमांड इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। पहले प्राइस 100 रुपए था तो 1000 यूनिट मांगते थे, अब रेट 200 हो गया, तो रेट 200 हो गया, महंगाई बढ़ गई है तो डिमांड गिर जाएगी, आप 500 यूनिट मांगोगे, रेट बढ़ गया ना भाई, रेट बढ़ गया, महंगा हो गया तो डिमांड कम करोगे, पहले 1000 यूनिट डिमांड करते थे, 500 यूनिट डिमांड करोगे। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो एक्स वाई, यहां पे प्राइस शो कर रहा हूं, यहां पे डिमांड शो कर रहा हूं। पहले जब रेट 100 रुपए था तो आप डिमांड करते थे कितना, 1000 यूनिट, कब, जब प्राइस 100 रुपए था, ये आपका ओरिजिनल फिगर है। फिर अब रेट क्या हो गया, बढ़ गया भैया, 200 हो गया आपका रेट, आपका रेट प्राइस बढ़ गया है, प्राइस आपका कितना हो गया, 200 हो गया है, तो आपकी डिमांड जो है वो 1000 यूनिट से कम हो गई है, तो ये बैक में फॉल करेगा, यहां पे आएगा 500 यूनिट। ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट था ए, ये मेरा न्यू पॉइंट है बी। फ्लो कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्ड फ्लो या अपवर्ड शिफ्ट। अपवर्ड फ्लो बोलेंगे, अपवर्ड शिफ्ट बोलेंगे, और शिफ्ट से अच्छा ज्यादा ना ये वर्ड लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, वरना आप क्या बाद में मेरे को भी कंफ्यूज कर दोगे, खुद भी हो जाओगे। डाउनवर्ड मूवमेंट लिखना, अपवर्ड मूवमेंट लिखना, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब रेट 100 रुपए था 1000 यूनिट डिमांड करते थे, रेट 50 रुपए हो गया तो 2000 यूनिट डिमांड कर रहे हो, तो ये ओरिजिनल पॉइंट था, ये न्यू पॉइंट है, तो ये नीचे फ्लो जा रहा है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट है जो बता रहा है डिमांड बढ़ गई। और यहाँ पर पहले 100 रुपए रेट था तो 1000 यूनिट डिमांड करते थे, अब रेट बढ़ गया है तो डिमांड कम हो गई है, तो पहले ये ओरिजिनल पॉइंट था, अब ये नया पॉइंट है, तो अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है ये। तो इससे आपको क्या समझ आना चाहिए, ये आना चाहिए कि कभी भी जब एक्सपेंशन वर्ड यूज हो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, तो ये क्या बताता है, ये बताता है इंक्रीज इन डिमांड। और इसका मूवमेंट कैसा होता है, हमेशा डाउनवर्ड। और जब आपको कॉन्ट्रैक्शन बोलेगा, कॉन्ट्रैक्शन बोलेगा तो इसका मतलब है डिक्रीज इन डिमांड, रेट बढ़ गया है तो डिमांड घट गई है, और ये क्या बताएगा, अपवर्ड मूवमेंट। आप बताओ आपको ये मूवमेंट का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, हैंड रेस करके बताओ एक बार, और फिर से रिपीट करना हो तो भी बताना, वैसे तो रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये समझ आ गया होगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। सभी लोग हैंड रेस करो बेटा, तब तुम पता रहे कि जितने बैठे हो क्लास में सबको समझ आया है। आ गया है आपको, वेरी गुड। तो अगर आपको मूवमेंट समझ आ गया है तो आप इसकी नोटिंग भी बेटा एक बार कर देना, भले वीडियो पॉज करके करो, जैसे भी करो इसकी नोटिंग कर देना। ये पूरा मूवमेंट का कंसेप्ट है, मतलब जब आपकी डिमांड चेंज हो रही है प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्राइस फॉल होने से डिमांड का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है प्राइस के राइज होने से डिमांड का घटना। ये इसका डायग्राम है, और आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गए होंगे।
और इसमें आपको एक पैसे की दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, ये आपका हो गया मूवमेंट का कंसेप्ट। अब आपको जो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताने वाला हूं बेटा, वो है शिफ्टिंग का कंसेप्ट, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व का बेसिकली मतलब होता है व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, रेट को छोड़कर किसी और कारण से जब मार्केट में डिमांड बदल जाती है तो इसे हम शिफ्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक मूवी रिलीज हुई, मूवी का प्राइस सेम था, पहले भी जिस रेट पे मूवी रिलीज होती थी उसी रेट पे मूवी रिलीज हुई है, टिकट का प्राइस सेम है, लेकिन उस मूवी का इंडिया में बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो अपोजिशन हो रहा है, बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा है। तो अब ये बताओ इस मूवी की डिमांड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? एग्जैक्टली सड़क टू, सही एग्जांपल दिया, एकदम डिक्रीज होगी, आप एकदम सही बोल रहे हो। तो बेटा कई बार क्या होता है, प्राइस के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिसके कारण जो होता है डिमांड पे असर आता है, डिमांड बढ़ती या घटती है। फॉर एग्जाम्पल एक फूड प्रोडक्ट दे देता है लाइक मैगी, मैगी सभी को पसंद है, मैं बोलता हूँ मैगी का रेट बहुत समय से 10 रुपए कॉन्स्टेंट चल रहा है, लेकिन न्यूज में खबर आई कि मैगी में किसी केमिकल की मिक्सिंग थी, तो लोग जब ये खबर को सुने तो वो पैनिक हो गए, डर गए, तो जब वो डरे तो जो मैगी की डिमांड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आपको मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, जब आप मूवमेंट पढ़ते हो तो इसमें जो भी डिमांड बदली वो क्यों बदली, प्राइस के कारण, और जब आप शिफ्टिंग पढ़ते हो तो यहां पर प्राइस नहीं बदल रहा है, प्राइस इज सेम, प्राइस वही का वही है, दूसरे फैक्टर्स हैं जिनमें चेंज आ रहा है जिनके कारण आपकी डिमांड बदल रही है। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करता है अगर मैं आपको बताऊं, जो आपकी शिफ्टिंग है वो कैसा बिहेव करती है आपको मैं बताऊं, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो बताऊं, तो देखो फैक्टर्स में हम क्या क्या दे सकते हैं पता है, आपकी इनकम, जब आप ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा डिमांड करते हो, कम कमाते हो कम डिमांड करते हो, आपका टेस्ट, सीजन, अगर किसी चीज का मौसम चल रहा है तो रेट कुछ भी हो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, फ्यूचर, अगर भविष्य में रेट बढ़ने वाला हो तो आज तो प्राइस वही है, हम डिमांड ज्यादा करना चालू कर देंगे। तो ये सारे बेटा ऐसे फैक्टर है जो डिमांड पर कहीं ना कहीं असर डालते हैं। अब आपको मैं पूरा सिखा रहा हूं, अच्छे से सीखो। तो जैसे आपने क्या किया था, आपने मूवमेंट में पढ़ा था कि डिमांड का एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेम वैसे ही जब आप पढ़ोगे शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग में आप पढ़ोगे दो तरह की शिफ्टिंग होती है, या तो होता है राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड, या तो होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये होता है डिक्रीज इन डिमांड। दोनों का एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं ताकि आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत ना है, आपको राइटवर्ड शिफ्ट सिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो, एकदम इजी, आप लिख देना इसको कि जो आपकी शिफ्टिंग होती है ना बेटा, जो आपकी शिफ्टिंग होती है वो दो तरह की होती है, दो तरह की शिफ्ट होती है, जैसे मूवमेंट दो था ना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वैसे ही शिफ्ट जो होती है दो तरह की होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। आपको मैं दोनों का मतलब बता रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिक्रीज। कैसे, ये देखो सीखो, किसी चीज का प्राइस दिया है और क्वांटिटी दी है, ठीक, प्राइस जब 100 रुपए था तो मैं 1000 यूनिट डिमांड करता था, अभी भी प्राइस 100 रुपए है, लेकिन अब मैं पैसे वाला आदमी हो गया, अमीर हो गया हूं, तो मेरे को लगता है मैं ज्यादा खरीद सकता हूं, तो अब मैं 2000 यूनिट खरीदना शुरू कर दिया। तो यहां पर प्राइस सेम है, रेट नहीं बदला सामान का, हुआ क्या, एक फैक्टर असर किया कि अब मैं रिच पर्सन हो गया, मेरी इनकम इंक्रीज हो गई,
और भी कोई फैक्टर का एग्जांपल दे सकता था क्या? सामान 100 रुपए का तो मैं 1000 पीस खाता था, अब मेरे को एकदम इसकी ना दीवानगी हो गई है, सामान के लिए पागल हो गया हूँ, तो अब 100 रुपए में मैं और सामान ज्यादा खरीदने लग गया हूँ, तो मेरा टेस्ट बदल गया है। ठीक, आज 100 में मिल रहा है सामान, मेरे को लग रहा है कल को नहीं मिलेगा, तो आज 100 के रेट में मैं और ज्यादा खरीद लूंगा, तो फ्यूचर को लेकर मेरे अंदर डर है, तो मैं डिमांड बढ़ा दे रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो प्राइस नहीं बदल रहा है, कोई एक कारण है जिसके कारण आप ज्यादा डिमांड करने लग गए। घर में फैमिली मेंबर ज्यादा बढ़ गए, तो पहले मैं 100 क्वांटिटी आता था, मैं 1000 क्वांटिटी आता था, 2000 लाना चालू कर दिया। अब इसका कर्व कैसा बनेगा देखो, सीखो एकदम इजी से। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, हमेशा यहां पर मैं प्राइस शो करता हूं और यहां पर मैं डिमांड शो करता हूं, ये यूनिट्स में। पहले क्या था, जब रेट 100 रुपए था तो मैं डिमांड करता था 1000 यूनिट, रेट 100 रुपए था तो मैं डिमांड करता था कितना, 1000 यूनिट। अभी भी रेट 100 रुपए, लेकिन अब मैं पैसे वाला हो गया हूं, तो अब 1000 क्यों, मैं तो और खरीदूंगा, तो मैं अब खरीदता हूं 2000 यूनिट। तो प्राइस तो आज भी 100 रुपए है, मेरी डिमांड 1000 यूनिट से कितनी हो गई, 2000 यूनिट हो गई। अब देखो होना क्या, यहां पर हो क्या रहा है ये देखना, ये पहला पॉइंट था मेरा ए, तो ये मेरा पहला कर्व गया, ये मेरा दूसरा पॉइंट था बी, तो ये मेरा दूसरा कर्व गया। ये गलती जमशेद जी से हुई, अब ये देखो ऐसा, ये कभी भी नए फिगर को डॉटेड में देना, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा ना आपको ना एग्जामिनर को। पहला मेरा ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट शिफ्ट होके और आगे बढ़ गया है और ये राइट में जा रहा है, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। ये मेरा डी है, डी है, ये मेरी डिमांड है, और अब उतने ही रुपए में मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, तो ये मेरा डी वन है, ये मेरा डी वन है, और ये राइट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, देखो राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, राइट में जा रहा है, ये बता रहा है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है। आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं है, ये बताओ आपको ये बात समझ नहीं है, बस खत्म होने को है, बस खत्म होने को, एंड में आ रहा है, हैंड रेस करो फटाफट, समझ आया कि नहीं आया। अब मैं इसका नोट्स आपको देने वाला हूं, बस नोट से पढ़ देना, इलास्टिसिटी अलग ही टॉपिक है। ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, अब चलो लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी आपको सिखा दिया जाए। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 100 रुपए था तो 1000 यूनिट डिमांड करता था, अभी भी प्राइस 100 रुपए है, कुछ ऐसा हुआ कि मैं डिमांड कम कर रहा हूं, जैसे मार्केट में कोई अफवाह फैल गई, या मान लो मैं गरीब हो गया, पैसा कम हो गया मेरे पास, तो अब गरीब आदमी हो तो कम खरीदूंगा यार, मेरे को अभी यह सामान उतना पसंद नहीं है, मेरा टेस्ट बदल गया, रेट तो वही है पर मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कम खरीद रहा हूं। फ्यूचर में मान लो सामान सस्ता होगा तो मैं आज कम खरीदूंगा, तो जस्ट बात को अपोजिट कर दो आप। जब आपकी इनकम बढ़ रही थी तो आप ज्यादा डिमांड कर रहे थे, इनकम घट रही है तो कम डिमांड कर रहे हो, जब बहुत पसंद था दीवाने थे तो ज्यादा खरीदते थे, अब कम पसंद है तो कम खरीदते हो, तो इसका कर्व कैसे बनेगा देखो, और ये सब बनाना साथ में, एक्स वाई, जब 100 रुपए रेट था मैं 1000 यूनिट डिमांड करता था, बहुत अच्छा करता था, 100 रुपए। अब क्या हुआ है, मैं गरीब हो गया हूं तो उतना डिमांड नहीं करता, तो अभी भी रेट तो 100 रुपए है, लेकिन अब मेरी डिमांड कितनी हो गई, तो ओरिजिनल पॉइंट ये था मेरा, न्यू पॉइंट ये है, कर्व बना के देखा जाए, डी डी, फिर मेरी गलती बताओ क्या हुई, मैंने न्यू पॉइंट को डायरेक्ट लाइन मार दी, कभी डायरेक्ट मत करना, डॉटेड में दिखाना, हमेशा डॉटेड में दिखाना, क्योंकि आपका ये नया पॉइंट है। अब आप शिफ्ट देखो, ये ओरिजिनल पॉइंट है, नया पॉइंट है, अब जो शिफ्ट जा रहा है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये लेफ्ट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या दिखा रहा है कि डिमांड कम हो गई। ध्यान से देख लो, फिर पहले ये ओरिजिनल पॉइंट था, फिर नया डिमांड बढ़ी तो ये नया पॉइंट बढ़ा, तो राइट में जा रहा था, राइटवर्ड शिफ्ट था। इस पॉइंट पे देखो, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था, नया पॉइंट जो है पीछे आ रहा है, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, लेफ्ट दिखा। अब आप बताओ आपको ये शिफ्टिंग समझ आई कि नहीं है, आपको ये शिफ्टिंग समझ आई कि नहीं आई, आप ये बताओ,
ईमानदारी से, कोई ऐसी चीज जो आपको मुझसे पूछना हो, कोई ऐसी चीज जो आपको मुझसे पूछना हो बताओ। डू यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट इन दिस? आपको मूवमेंट और शिफ्टिंग समझ आ गया कि नहीं आया, आप ये बताओ मेरे को। स्टार्टिंग का एक बार रिकॉर्डिंग देख देना बेटा, मुझसे कुछ पूछना है इस चीज में आपको, आ गया? तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि जब रेट 100 रुपए था, प्राइस 100 रुपए था, तो इसकी जो डिमांड थी वो 1000 यूनिट थी। अब प्राइस 500 हो गया है, तो आप मेरे को ये बताओ इसकी डिमांड, जैसे मैं बोलता हूं 200 यूनिट हो गई है, तो ये मूवमेंट है कि ये शिफ्टिंग है? ये बताओ, ये मूवमेंट है कि शिफ्टिंग है बताओ। बोलते जाओ बाकी लोग, सबसे सुनना है मेरे को, ये क्या है? जब प्राइस 100 रुपए था, 1000 यूनिट डिमांड करता था, प्राइस 500 हो गया, 200 यूनिट डिमांड कर रहा हूं, ये मूवमेंट है कि शिफ्टिंग है? फटाफट बोलो, ये मूवमेंट है क्योंकि प्राइस बदला, ठीक है? अब अगर ये मूवमेंट है तो बताओ कि ये एक्सपेंशन दिखा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है? ये एक्सपेंशन दिखा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है बताओ, बोलो। ये दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, तो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? डिमांड का बढ़ना, ठीक है? प्राइस बढ़ना, प्राइस का राइज होना और डिमांड का गिरना कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, और प्राइस का फॉल होना, डिमांड का बढ़ना एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है? ये ध्यान रखो। चलो इसका एग्जांपल दो, ये क्या है? ऐसा दो ना, ये बताओ, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व शोज, आप बताओ इंक्रीज की डिक्रीज? राइटवर्ड शिफ्ट क्या शो करता है, इंक्रीज शो करता है कि डिक्रीज शो करता है, बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इंक्रीज बताता है कि डिक्रीज? लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या बताता है, इंक्रीज की डिक्रीज, बोलो। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्शन क्या बताता है, इंक्रीज की डिक्रीज? वेरी गुड। और एक्सपेंशन क्या बताता है, ये मैं बताता हूं, इंक्रीज बताता हूं। अब आप लोग जितने लोगों ईमानदारी से बताओ, अभी तक आपको डिमांड अच्छे समझ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? डिमांड अच्छे समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना बेटा आज हम लोग कर रहे हैं। अब मैं आप इसके नोट्स भेजूंगा और चैप्टर मेनली ओवर हो गया, यही करना। अब इसके आगे नया टॉपिक मंडे से इलास्टिसिटी करेंगे, ये न्यू चैप्टर है आपके लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन क्योंकि डिमांड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, न्यू चैप्टर मंडे से करेंगे, इसका नोट्स आपको मैं भेज दूंगा भी, और क्वेश्चंस भी, तीनों क्लास की रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, आराम से उसको देख लेना, है ना? ये आप करो, आपके लिए काफी है बेटा।
बाय बाय।